नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं मारुति की पांच ऐसी गाड़ियां दोस्तों जिनका रेट मैं आपको बताने वाला हूं। आपको ये पता लग जाएगा कि बहुत ही फेमस गाड़ियां दोस्तों मारुति की पांच ऐसी गाड़ियां है जिसके अंदर मैं आपको स्विफ्ट का भी रेट बता दूंगा दोस्तों, सिलेरियो का बताऊँगा और वैगनार का, और दोस्तों विटारा, ब्रेजा और इर्टिगा, यानी इन पांचों गाड़ियों के जो रेट है वो मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों इस वीडियो के अंदर, और डिटेल से इसके इंजन के बारे में भी आपको बताऊंगा दोस्तों। तो वीडियो के अंदर आप बने रहिए, और दोस्तों और भी जानकारी मैं आपको वीडियो के अंदर दूंगा इन गाड़ियों के बारे में, तो वीडियो आपको पूरा देखना है दोस्तों। अगर आपको पसंद आई वीडियो तो एक लाइक करना है, आगे शेयर करना है, कॉमेंट कर सकते हैं दोस्तों आप, और चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर का बटन आ रहा है उसको दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, घंटे वाले बटन को प्रेस कर देना दोस्तों। तो करते हैं दोस्तों वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट, और दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं जो पहली गाड़ी हमने चुनी है दोस्तों वो गाड़ी है मारुति की सिलेरियो गाड़ी, जो बहुत ही फेमस गाड़ी है दोस्तों, और इसकी रेट है वो भी कम है दोस्तों। तो जहाँ पर भी आप जाते हैं दोस्तों ये गाड़ी आपको मिल जाती है देखने के लिए, कहीं पर भी आप जाओ दोस्तों, गाँव के अंदर भी ये गाड़ी बहुत ज़्यादा लोग इस गाड़ी को लेते हैं, और माइलेज के अंदर दोस्तों इस गाड़ी का जवाब नहीं है, बहुत ही अच्छी इस गाड़ी की माइलेज है। तो इस गाड़ी का जो रेट है वो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, इस गाड़ी का रेट है 5,25,000 रुपये से दोस्तों इस गाड़ी की कीमत स्टार्ट हो जाती है, और 7 लाख रुपये तक इसकी कीमत दोस्तों जाती है, यानी 5,25,000 रुपये से इस गाड़ी की कीमत स्टार्ट होती है और 7 लाख रुपये तक इस गाड़ी की कीमत जाती है दोस्तों। और इसके बारे में मैं आपको और बता दूं थोड़ा, ये गाड़ी माइलेज के बारे में मैंने आपको बताया दोस्तों, माइलेज में ये गाड़ी 35 की माइलेज इसकी कंपनी क्लेम करती है दोस्तों, इस गाड़ी की जो माइलेज है बहुत ज़्यादा है, यानी 35 की एवरेज ये गाड़ी अगर ढंग से इसको चलाया जाए तो कंपनी के मुताबिक ये गाड़ी इतनी दे देती है दोस्तों। और इंजन इसकी जो कैपेसिटी है वो है दोस्तों 998 cc का इसका इंजन है, जो लगभग 1000 cc के बराबर है दोस्तों, और BHP जनरेट करती है दोस्तों 65.71 यानी 65.71 ये BHP है ये जनरेट करती है दोस्तों। और इसका जो ट्रांसमिशन है वो दोस्तों ऑटोमेटिक है, और मैनुअल भी आपको इसके अंदर ऑप्शन मिल जाता है, और 5 सीटर कार है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी छोटी गाड़ी है, तो ये एक फैमिली गाड़ी है दोस्तों, आप भी इस गाड़ी को ले सकते हैं दोस्तों। बात करते हैं दूसरी गाड़ी की, और दूसरी गाड़ी है दोस्तों मारुति की वैगनार गाड़ी है, जो बहुत ज़्यादा फेमस गाड़ी है दोस्तों, ये पुराने टाइम से चलती आ रही है, और इस गाड़ी ने दोस्तों मार्केट के अंदर अपना नाम बनाया है, और बहुत ही अच्छी और मजबूत कार है दोस्तों ये। तो मारुति की जो वैगनार है इसकी कीमत मैं आपको बता दूँ दोस्तों, इसकी कीमत है 5,47,000 रुपये से दोस्तों ये गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, और इसके वेरिएंट के अनुसार दोस्तों ये 7,10,000 रुपये तक इस गाड़ी की कीमत जाती है। और दोस्तों इसके इंजन के बारे में मैं आपको बता दूं थोड़ा, इस गाड़ी की जो माइलेज है वो दोस्तों ये लगभग 35 की माइलेज ये दे देती है, जितनी सिलेरियो की माइलेज है लगभग उतनी ही दोस्तों इस गाड़ी की माइलेज भी कंपनी क्लेम करती है। और इसके इंजन के बारे में मैं आपको बता दूं दोस्तों, 1197 cc का इंजन है, जो 1000 cc से बड़ा है दोस्तों, लगभग 1200 cc के करीब इस गाड़ी का इंजन है, और BHP 88.5 यानी 88.5 ये जनरेट करती है दोस्तों। और इसकी जो ट्रांसमिशन है वो ऑटोमेटिक भी है, और दोस्तों मैनुअल का भी ऑप्शन इस गाड़ी के अंदर आपको अब मिल जाता है, और 5 सीटर कार है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी और सुंदर गाड़ी है मारुति की, तो ये गाड़ी भी आप ले सकते हैं दोस्तों। नंबर 3 पे जो गाड़ी है वो मैं आपको अब बताने वाला हूँ, जो बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा दोस्तों ये लोगों को पसंद आती है, गाड़ी देखते ही ये गाड़ी दोस्तों पसंद आ जाती है, और ये गाड़ी है मारुति की स्विफ्ट गाड़ी, और इसी गाड़ी के अंदर दोस्तों मैं बैठा भी हूँ, मारुति स्विफ्ट डिज़ायर के अंदर मैं बैठा हूँ, ये गाड़ी भी मेरे को बहुत अच्छी लगती है दोस्तों ये। तो इसका मैं आपको रेट बता देता हूँ, ये डिज़ायर का नहीं, ये मैं मारुति स्विफ्ट का रेट बता रहा हूँ। इस गाड़ी का जो रेट है वो 5,92,000 रुपये से स्टार्ट होता है, और 8,85,000 रुपये तक इस गाड़ी की कीमत जाती है, जो डिज़ायर नहीं है, ये सिर्फ स्विफ्ट है छोटी वाली।
592,000 रुपए से स्टार्ट होती है कीमत और 885,000 रुपए तक इस गाड़ी की कीमत जाती है। और दोस्तों इस गाड़ी की जो माइलेज है वो है 23.76 यानी 23.5 की एवरेज ये गाड़ी लगभग दे देती है अगर ढंग से गाड़ी को चलाया जाए तो। दोस्तों इसका इंजन की कैपेसिटी है वो 1197 सीसी का इसका इंजन गाड़ी के अंदर आपको मिल जाता है और बीएचपी इसकी 88.5 यानी 88.5 इसकी बीएचपी है। दोस्तों इसका जो ट्रांसमिशन है वो 2022 के अंदर आपको ऑटोमेटिक भी मिल जाता है और मैनुअल भी आप ले सकते हैं दोस्तों। और 5 सीटर कार है ये, बहुत ही सुंदर कार है दोस्तों, सबसे सुंदर कार मेरे को ये लगती है मारुति के अंदर। तो आप भी इस गाड़ी को ले सकते हैं और इस गाड़ी की मार्केट भी दोस्तों बहुत ज़्यादा है। और बात करते हैं नंबर 4 पे दोस्तों मारुति की विटारा ब्रेजा, ये गाड़ी दोस्तों बहुत ज़्यादा चलन के अंदर है आजकल, क्योंकि पिछले 2-3 साल के अंदर दोस्तों इस गाड़ी ने बहुत अच्छा अपना एक नाम बनाया है मार्केट के अंदर और बहुत ही सुंदर कार है और मीडियम एसयूवी गाड़ी है दोस्तों। ये ना तो बड़ी है और ना ये छोटी कार है, ये बीच की गाड़ी है यानी मीडियम एसयूवी गाड़ी है दोस्तों। और दोस्तों इस गाड़ी की जो कीमत है वो मैं आपको बता देता हूँ, 784,000 रुपये से दोस्तों इस गाड़ी की कीमत स्टार्ट हो जाती है मारुति विटारा ब्रेजा की, और 1,149,000 तक ये गाड़ी दोस्तों जाती है। तो लगभग 784,000 से ये गाड़ी की कीमत स्टार्ट होती है और 1,150,000 रुपये तक इस गाड़ी की कीमत जो टॉप मॉडल है उसके इतने पैसे लगते हैं दोस्तों। दोस्तों इस गाड़ी की जो माइलेज है वो मैं आपको बता देता हूँ, इस गाड़ी की माइलेज होती है दोस्तों 18 की और इसके इंजन की जो कैपेसिटी है वो है दोस्तों 1462 सीसी का इसका इंजन है विटारा ब्रेजा का, और बीएचपी जनरेट करती है 103.26 यानी 103.26 इसकी जो बीएचपी जनरेट करती है दोस्तों। और इसका जो ट्रांसमिशन है वो आपको मैनुअल मिल जाता है, ऑप्शनल है और ऑटोमेटिक भी आपको मिल जाता है। और दोस्तों 5 सीटर ये भी कार है। और नंबर 5 पे जो गाड़ी हमने चुनी है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा एक अलग ही अंदाज है दोस्तों इस गाड़ी का और बहुत ही खूबसूरत कार नहीं बोलूँगा मैं आपको, ये एक एसयूवी गाड़ी है दोस्तों, ये है मारुति की अर्टिगा यानी अर्टिगा जो गाड़ी है दोस्तों ये बहुत ही शादी विवाह के अंदर भी बहुत ज़्यादा ये गाड़ी चलती है और 7 सीटर गाड़ी है दोस्तों ये, और इसकी कीमत है 835,000 रुपये से लेकर 1,279,000 रुपये तक इसकी कीमत जाती है दोस्तों। और इसका जो माइलेज है वो लगभग 26 की एवरेज ये गाड़ी कंपनी क्लेम इसकी करती है दोस्तों। और इसका जो इंजन है वो दोस्तों जितनी भी मैंने गाड़ी बताई ये इसका जो इंजन है वो विटारा ब्रेजा के जो 1462 सीसी का इंजन था ब्रेजा का वही दोस्तों इसी का इंजन भी 1462 सीसी का इंजन है अर्टिका का, और बीएचपी जनरेट करती है दोस्तों 101.65 जो ब्रेजा से कम है। और दोस्तों ये इसका जो ट्रांसमिशन आपको ऑटोमेटिक मिल जाता है और मैनुअल भी मिल जाता है, और ये दोस्तों 7 सीटर कार है। दोस्तों मैंने 5 गाड़ियां आपको बताई है और 5 गाड़ियों के रेट मैंने आपको बताया, माइलेज के बारे में बताया, इंजन के बारे में बताया, ट्रांसमिशन के बारे में बताया, बीएचपी बताई और इसकी सीटर भी आपको मैंने बताई। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ नई जानकारी आपको मिली है मारुति गाड़ियों के बारे में, तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, आगे शेयर कीजिए, कमेंट करिए दोस्तों, और चैनल को प्लीज़ आप दोस्तों सब्सक्राइब करिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो दोस्तों मैं और भी मेहनत करूँगा, आपको और नई नई चीज़ें आपको बताऊँगा दोस्तों गाड़ियों के बारे में। तो दोस्तों चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को आप दबा दें। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद और राम राम।